दिस इज सोनू हियर। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट चेक फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग, फ्यूरो इरिगेशन मेथड के इस तीन टाइप के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वाला वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि फ्री फ्लडिंग क्या होता है, बॉर्डर फ्लडिंग क्या होता है। अब इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि बॉर्डर फ्लडिंग का एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे चेक फ्लडिंग और बेसिन फ्लडिंग के बारे में और फ्यूरो फ्लडिंग के बारे में। अब ये जो देखने से पहले अगर आप लोग पिछले दो वीडियो नहीं देखे हैं, लेक्चर टू एंड लेक्चर वन, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं। प्लीज़ चैनल को अगर लाइक शेयर करें, अगर अच्छा सा आपको समझ में आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर समझ में आप लोग को आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। सो आगे हम लोग न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो न्यूमेरिकल यहाँ पे क्या दिया गया है कि डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड, क्या करना है, डिटरमाइन करना है हम लोग को टाइम रिक्वायर्ड टू इरीगेट अ स्ट्रीप ऑफ लैंड ऑफ 0.04 हेक्टेयर्स। क्या दिया गया, सबसे आगे हम लोग को एरिया दे चुका है, एरिया कितना है 0.04 हेक्टेयर। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या दिया गया है। इसके आगे हम लोग को दिया गया है कि एरिया फ्रॉम ए ट्यूब बेल बी था डिस्चार्ज ऑफ, डिस्चार्ज दे दिया गया, डिस्चार्ज मतलब क्या, क्यू 0.02 क्यूमेक। क्यूमेक का अर्थ हम लोग बताते हैं आगे में, देखिए द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एफ, एफ दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर पर आवर। फिर है एवरेज डेप्थ जो कि वाई होता है, वाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग देखते हैं कि जी क्यूमेक का मतलब क्या होता है। क्यूमेक का मतलब ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्यूमेक का मतलब क्या होता है, क्यूमेक का मतलब होता है मीटर क्यूब पर सेकंड। कंफ्यूज नहीं होना है, क्यूमेक का मतलब हमेशा क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड। अब हम लोग इस गिवन डाटा को देखते हैं कि गिवन डाटा में क्या है। गिवन में हम लोग को सबसे आगे दिया गया था एरिया जो कि 0.04 हेक्टेयर्स था। अब इस हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा हम लोग का एरिया। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्यू जो कि डिस्चार्ज, क्यू मतलब क्या, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज जो है क्यू, क्यू दे दिया गया था 0.02 क्यूमेक। क्यूमेक का मतलब हम लोग समझते हैं कि 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड, जो कि क्यू आ गया मेरा। अब इसको जब आवर में चेंज करेंगे तो 72 मीटर क्यूब पर आवर आएगा। फिर एफ इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, एफ मतलब क्या, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो कि था 5 सेंटीमीटर पर आवर। इसको हम लोग जब मीटर क्यूब, मीटर आवर में चेंज करेंगे, मीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 0.05 मीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। फिर वाई जो है डेप्थ, वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को जब चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। मेरा फॉर्मूला अब क्या है, फॉर्मूला क्या होता है कि टी इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको बॉर्डर फ्लडिंग में कितना टाइम में कितना एरिया इरीगेट हो रहा है उसको निकालने के लिए। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। टी इक्वल टू क्या होता है, 2.3 इंटू वाई बाई एफ इंटू लॉग 10 इंटू क्यू बाई क्यू माइनस एफ ए, फॉर्मूला ये है। अब इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं वैल्यू को। टी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, इसको फोकस नहीं कीजिए, यहाँ हम लोग देखते हैं जो लिख रहे हैं उसको आप लोग देखिएगा। 2.3 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू लॉग 10। अब इसके बाद में जो वैल्यू है क्यू का, जो हम लोग का वैल्यू आया था 72 आवर आया था, क्यू का जो वैल्यू आया था 72 आवर। अब नीचे में 72 चला आएगा, फिर माइनस एफ इंटू ए, एफ जो हम लोग का है कितना 0.05, एफ जो है 0. एफ के वैल्यू हम लोग यहाँ पे ये वाला साइन को सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं आगे क्यू वाला, ओके इतना दूर तक तो ठीक है। अब इसके बाद में क्यू का जो वैल्यू है उसको आगे हम लोग लिखते हैं। तो क्यू का वैल्यू कैसे है, देखिए सबसे आगे क्यू का जो वैल्यू है 72 है, फिर क्यू माइनस एफ ए, क्यू माइनस एफ ए का वैल्यू 72 माइनस एफ इंटू ए, एफ का जो वैल्यू है 0.05 इंटू एरिया जो है, एरिया जो हमारा आया था 400 मीटर स्क्वायर आया था ना, तो ये वैल्यू को यहाँ पे आप लोग फिल कीजिएगा ये येलो वाला बॉक्स के पास में। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था जिस चलते हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, येलो वाला बॉक्स में ये वैल्यू पुट कीजिए, क्यू इंटू क्यू माइनस एफ ए का ये वैल्यू है। तो इसके बाद में जब पुट कीजिएगा तो हम लोग यहाँ पहुँचेंगे 2.3 इंटू 2
log 10, अब इसको जब सॉल्व करेंगे इसके ऊपर वाला q इंटू क्यू माइनस एफ वैल्यू पुट करके आप लोग भी बना सकते हैं, इतना कहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो 72/52 आवर आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 39 मिनट्स आएगा। तो ये हम लोग का जो आंसर हो गया 39 मिनट्स हम लोग का क्या आ गया, टाइम आ गया, टी का वैल्यू आ गया 39 मिनट्स। आप लोग इसको आवर में भी चेंज कर सकते हैं या मिनट में भी छोड़ सकते हैं। तो टी का एक सबसे फर्स्ट जो आंसर आया कि कितना टाइम लगेगा वो आ गया हम लोग का कितना, 39 मिनट टाइम लगेगा। इसके बाद में है एरिया मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम के फॉर्मूला होता है क्यू बाई एफ, एरिया मैक्सिमम के जो फॉर्मूला होता है एरिया मैक्स ए मैक्स बराबर जो फॉर्मूला होता है क्यू बाई एफ होता है। क्यू मतलब क्या, डिस्चार्ज इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, एफ का मतलब होता है डिस्चार्ज का मतलब क्या, डिस्चार्ज हम लोग निकाले थे 72 आवर 72, अब क्यू का जो वैल्यू आया था 72 था, उसके बाद में नीचे में क्या था कि 0.05 एफ का वैल्यू है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 0.144 हेक्टेयर्स आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देखें कि न्यूमेरिकल को सॉल्व किए तो हम लोग एरिया मैक्स का निकालें और टाइम निकालें, हम लोग को पूछा था डिटरमाइन द टाइम, तो टाइम हम लोग निकाल दिए, उसके बाद एरिया मैक्स का वैल्यू निकालें, तो ये दो वैल्यू निकालें इस न्यूमेरिकल के जरिए। तो इसके आगे में आप देखते हैं कि चेक फ्लडिंग क्या होता है। चेक फ्लडिंग देखने से पहले आप आगे फिगर देख लीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिगर देखते हैं तो चेक फ्लडिंग का फिगर देखिए, चेक फ्लडिंग का फिगर ये है, यहाँ देखिए। जैसे इस फील्ड में जैसे देखेंगे कि चेक फ्लडिंग में क्या होता है, सबसे आगे एक मेन होता है, मेन के बाद में यहाँ पे छोटा छोटा ओपनिंग दिया जाता है, ओपनिंग के जरिए क्या है फिर आगे सबसे आगे क्या होगा कि फील्ड होगा, फील्ड को हम लोग धीरे धीरे स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे, जैसे ये स्ट्रिप डिवाइडेड है, और इसके बाद में क्या होगा कि मेन लाइन से वाटर आएगा, मेन जो डीचेज होगा उससे वाटर आएगा, उसके बाद में यहाँ पे छोटा छोटा ओपनिंग करके क्या होगा ये सब में पानी को आगे बहने दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा एक इरीगेशन होगा, तो इसी को बोला जाता है चेक फ्लडिंग। अब चेक फ्लडिंग को हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे, चेक फ्लडिंग इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी फ्लडिंग, ये ऑर्डिनरी फ्लडिंग के ही जैसा है, एक्सेप्ट दैट द वाटर इज कंट्रोल्ड बाय सराउंडिंग द चेक एरिया विथ लो एंड फ्लैट लीव्स। क्या है एक क्या होता है कि फ्लडिंग में क्या होता है कि वाटर को पूरे को छोड़ दिया जाता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया जाता, लेकिन चेक फ्लडिंग में क्या होता है इस जो वाटर जो छोड़ा जाता है उसको कंट्रोल किया जाता है, कैसे जो हम लोग अभी स्ट्रिप्स देखें उसके मायने में देखा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि द चेक आर विथ लो एंड फ्लैट लीव्स, चेक क्या होता है वो लो और फ्लैट लीव्स का बना हुआ होता है, लीव्स बोलने का मतलब क्या है यही है स्ट्रिप्स के बारे में बोला जा रहा है। लीव्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड अलोंग द कंटूर्स हैविंग वर्टिकल इंटरवल ऑफ अबाउट 5 to 10 centimeters। क्या है जो लीव्स जो होता है वो 5 to 10 centimeters हाइट का होता है जो कि वर्टिकल इंटरवल होता है, वर्टिकल इंटरवल बोलने का मतलब क्या कि थोड़ा मिट्टी का ही अर्थेन पार्ट को ही बनाया जाता है इस टाइप का स्ट्रिप्स टाइप का, उसी को बोला जाता है लीव्स। इसका जो डायमेंशन है 5 to 10 centimeters वर्टिकली होता है। फिर है दीज लीव्स आर कंस्ट्रक्टेड विथ क्रॉस लीव्स एट द कन्वीनियंट प्लेस, ये सब जो लीव्स बनाया जाता है क्रॉस लीव्स को बनाया जाता है कन्वीनियंट प्लेस पे, जहाँ हम लोग डिवाइड करेंगे उस हिसाब से बनता है। द कनेक्टेड विथ क्रॉस लीव्स एट द कन्वीनियंट प्लेस द फार्म्ड प्लॉट एरिया वैरीज फ्रॉम 0.8 to 0.8 hectares, 0.2 to 0.8 hectares तक वैरीज होता है। तो उसी टाइप में हम लोग चेक फ्लडिंग का यूज करते हैं। चेक फ्लडिंग का हम लोग फिगर देख के समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर देखते हैं तो ये प्लान है, प्लान को हम लोग देख के समझते हैं कि सबसे आगे क्या था, एक फील्ड था, फील्ड को स्ट्रिप्स में डिवाइड किया गया जिसको लीव्स भी बोला जाता है, लीव्स में डिवाइड किया गया। अभी लीव को डिवाइड करके एक मेन लाइन आया, मेन में से क्या हो छोटा छोटा ओपनिंग खुला, ओपनिंग में से क्या हुआ वो इरीगेशन हुआ लैंड का। तो ये जो पूरा प्रोसेस कहलाया इसी को बोला जाता है चेक फ्लडिंग। इन चेक फ्लडिंग द चेक इज फील्ड विथ वाटर एट द वेरी हाई रेट एंड अलाउंस टू स्टैंड एंटिल द वाटर इन्फिल्ट्रेट्स। क्या होता है कि चेक फ्लडिंग में वाटर को फील्ड के पास में छोड़ दिया जाता है और उसका हाई रेट्स में जैसे हाई स्पीड में रहेगा उसी टाइप में छोड़ दिया जाएगा, हाई वेलोसिटी में रहेगा, ग्रेविटी के कारण भी अगर उसको में हाई ज़्यादा वेलोसिटी आ जाएगा, जब फील्ड क्या होगा स्लोप होगा, अगर फील्ड अगर स्लोपी होगा तो उसमें क्या ग्रेविटी के कारण भी स्पीड आ जाएगा वाटर को। तो इस मेथड से उसको छोड़ दिया जाता है जब तक कि फील्ड पूरी तरह से इन्फिल्ट्रेट नहीं हो जाए। दिस मेथड
is suitable for more permeable soil as well as for less permeable soil. The water can be quickly spread in the case of high permeable soil, thus reducing. क्या बोला जा रहा है कि जब less permeable soil रहेगा तो water speed, वाटर का जो इन्फिल्ट्रेशन होगा वो ज़्यादा स्पीड में नहीं होगा, क्योंकि लेस परमेबल सॉइल रहेगा तो आगे वो वाटर को सोक लेगा, आगे सोक्ड करेगा, आगे सोक लेगा, आगे पानी को सोक्ड करेगा सॉइल उसका, उसके बाद में क्या होगा कि वाटर को उसको आगे बढ़ने देगा. अगर परमेबल सॉइल है जहाँ पे ज़्यादातर इरीगेशन हो रहा है वहाँ पर परमेबल सॉइल है तो क्या करेगा, वो जल्दी से वहाँ पर वाटर वहाँ पर आगे बढ़ सकता है, क्विकली स्प्रेड जल्दी वहाँ बढ़ सकता है, पानी जो है वो मेरा आगे तक फैल सकता है. ये देखिए फिर से एक फिगर देख लेते हैं. फिगर में क्या था, सबसे आगे मेन था, फिर स्ट्रिप्स लीव्स था, लीव्स में डिवाइड किया गया, फिर छोटा छोटा ओपनिंग खोला जाएगा, उसके बाद में वाटर पूरा इरिगेशन हो जाएगा. जैसे यहाँ छोटा ओपनिंग खोला गया है जिससे वाटर यहाँ पे जा रहा है. अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है. ये भी एक चेक फ्लडिंग का ही टाइप है, चेक फ्लडिंग का ही यहाँ पे एक फिगर है. मेन जैसे आया, मेन में से छोटा छोटा ओपनिंग आया, यह स्ट्रिप्स है, तो इस टाइप में जो फ्लडिंग होगा उसको हम लोग बोलेंगे चेक फ्लडिंग. चेक फ्लडिंग मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप में अगर फ्लडिंग होता है तो उसको बोलेंगे चेक फ्लडिंग. अब इसके आगे देखते हैं क्या है. इसके आगे में बोला गया है चेक फ्लडिंग में ही द परकुलेशन लॉसेस दीज चेक्स आर समटाइम्स यूज टू एब्जॉर्ब वाटर वेयर द स्ट्रीम फ्लो इज डाइवर्टेड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द हाई रन ऑफ. जब देखिए क्या होता है कि कभी कभी ये जो चेक है, जो ये जो लाइन बना हुआ होता है, जो स्ट्रिप्स बना हुआ होता है, वो कभी कभी वाटर को एब्जॉर्ब करता है. जब हम लोग स्ट्रीम फ्लो जो फ्लो हो रहा है उसको एक एटम्स जो वंस टाइम्स में क्या हम लोग उसको डाइवर्ट कर दें. जैसे बोलने का मतलब क्या है, वंस टाइम्स मतलब जैसे ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, हम इसको डायरेक्ट यहाँ से ऐसे मोड़ दिए तो क्या होगा, आगे जो पानी जाएगा आगे यहाँ से टकराएगा, तो ये जो पानी जब यहाँ से टकराएगा तो ये वाटर को सोक आगे एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब करेगा तो इसी टाइप में बोला जाता है कि कभी कभी क्या होता है वाटर एब्जॉर्ब करता है स्ट्रिप्स. जब हम लोग इनडायरेक्शनली रूप से उसको ले जाते हैं कि एक बैक ही उसको डायरेक्शन को चेंज करते हैं तब. अब इसको आगे देखते हैं क्या है. इसके आगे में दिया गया है बेसिन फ्लडिंग. बेसिन फ्लडिंग बोलने का मतलब क्या है कि दिस मेथड बेसिन, सबसे आगे हम लोग देख लेते हैं बेसिन फ्लडिंग का एक फिगर, उसके बाद अच्छा सा समझ में आएगा. बेसिन फ्लडिंग का एक फिगर है, देखिए कि इसमें क्या होता है, एक मेन लाइन होता है, मेन के नीचे इधर इधर क्या होता है स्टीप छोटा छोटा डीचेज बना हुआ होता है, जो कि पेड़ के पास में राउंड रूप से चारों ओर से उसको पेड़ को घिरा हुआ रहता है. ये जो होता है ज़्यादातर ऑर्चर्ड के लिए उपयोग किया जाता है. ऑर्चर्ड मतलब क्या, बगीचा, फल फ्रूट के बगीचा जो होता है उसके लिए उपयोग किया जाता है. तो ये जो पेड़ जो होता है, पेड़ के चारों ओर इसको छोटा छोटा डीचेज बना हुआ होता है, जिससे ये जो वाटर का यहाँ पे डीच आप लोग देख रहे होंगे, इस डीचेज के द्वारा मेन लाइन से वाटर ट्री तक पहुँचता है, ट्री के रूट तक. उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ पे वाटर अब्जॉर्ब होता है रूट में. अब इसके बाद में देखते हैं बेसिन फ्लडिंग हम लोग यहाँ पे समझें. अब बेसिन फ्लडिंग का हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे डिफाइन किया गया है बेसिन फ्लडिंग को. बेसिन फ्लडिंग को इस प्रकार बताया जाता है कि दिस मेथड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ चेक फ्लडिंग एंड इज अडॉप्टेड स्पेशली फॉर ऑर्चर्ड ट्रीज. ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बेसिन फ्लडिंग है वो ऑर्चर्ड ट्री के लिए उपयोग किया जाता है, ऑर्चर्ड ट्री के लिए उपयोग किया जाता है. वन और मोर ट्रीज आर जनरली प्लेस्ड इन द बेसिन एंड द सर्फेस इज फ्लडेड इन चेक मेथड बाई डीच वाटर. देखिए ये कि चेक फ्लडिंग का ही एक टाइप है बेसिन फ्लडिंग, जिसका क्या बोला जाए, चेक फ्लडिंग का ही हिसाब से ये भी काम करता है. इसमें क्या होता है कि सबसे आगे हम लोग फिगर भी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक प्लान भी उसे समझते हैं कि एक मेन लाइन मेन डीच होता है. मेन डीच से क्या स्मॉल डीच होता है, स्मॉल डिच क्या करता है कि वो जो पेड़ पौधा होता है, ये ट्री है, ट्री के चारों ओर डिच बना हुआ होता है, वहाँ पे वो वाटर को जाता है, फिर उसको रूट्स तक पानी को पहुँचाया जाता है. तो ये जो हम लोग का फिगर है, ये प्लान है बेसिन फ्लडिंग का, एक टाइप का प्लान है. अब इसके आगे हम लोग देखते हैं फ्यूरो इरीगेशन क्या होता है. फ्यूरो इरीगेशन देखने से पहले फ्यूरो इरीगेशन के एक फिगर को हम लोग देखते हैं. फ्यूरो इरीगेशन के फिगर को देखिए, सबसे आगे इसमें क्या होगा, एक मेन लाइन होगा. मेन लाइन से क्या, छोटा छोटा स्ट्रिप्स बना हुआ होगा, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है. इसके द्वारा पानी जाएगा, और पानी जब जाएगा तो इधर इधर जो एरिया होगा ये वाला इरीगेट होते चला जाएगा. तो
तो ये जो टाइप का जो फ्लडिंग होता है इसको बोला जाता है फ्यूरो फ्लडिंग। फ्यूरो फ्लडिंग का अब हम लोग डिफिनेशन को देखते हैं कि फ्यूरो फ्लडिंग डिफिनेशन में क्या है, कि फ्यूरो फ्लडिंग डिफिनेशन को यहाँ पे समझते हैं। फ्यूरो फ्लडिंग मेथड, इन फ्यूरो फ्लडिंग मेथड डिस्क्राइब्ड एवव वाटर कवर्स द इंटायर सरफेस व्हाइल इन वाटर क्या करता है, पूरा सरफेस को कवर करता है। अब इसको देखते हैं कि इस फ्यूरो मेथड का यहाँ पे सबसे आगे एडवांटेज को देखते हैं। एडवांटेज में क्या है कि दिस मेथड हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेज। इस मेथड को ये एडवांटेज दिया गया है कि लेस वाटर इज रिक्वायर्ड एज वाटर कम्स इन द कॉन्टैक्ट 1/2 to 1/5 और 1/2 ऑफ द लैंड सरफेस। इवेपोरेशन लॉस इस लेस, इवेपोरेशन लॉस कम होता है फ्यूरो मेथड में। फिर लेबर रिक्वायरमेंट फॉर लैंड प्रिपरेशन एंड इरीगेशन इज लेस, लेबर रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्या है कि वहाँ पे आगे ही डीच बनाया जाता है। फिर वेस्टेज ऑफ वाटर इज मिनिमम, वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होता है। इट इज़ सुटेबल फॉर रो क्रॉप्स, ये क्या है सुटेबल है जो रो क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स के बुनाई के समय के लिए ये ज़्यादा सुटेबल है। अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ फ्यूरो इरिगेशन, सबसे आगे एक टॉपिक है जो व्हाट इज़ फ्यूरो इरिगेशन। फ्यूरो इरिगेशन का मतलब क्या होता है, इसका डिफिनेशन हम लोग अब यहाँ समझते हैं। फ्यूरो इरिगेशन इज ए मेथड ऑफ लेइंग आउट ऑफ द वाटर चैनल्स इन सच ए वे वेयर ग्रेविटी प्ले द रोल प्रोवाइडिंग जस्ट एनफ वाटर फॉर सुटेबल प्लांट टू ग्रो। इट इज़ यूजुअली मेड बाय प्लांट प्लेसमेंट ऑफ रिजेस एंड फ्यूरोस। इट इज़ ए काइंड ऑफ सरफेस इरीगेशन सिस्टम। ये सरफेस सब सरफेस इरीगेशन सिस्टम का टाइप हम लोग देख ही रहे हैं कि एक सरफेस इरीगेशन का टाइप है। इसमें क्या होता है कि फ्यूरो छोटा छोटा फ्यूरो बनाया जाता है। फ्यूरो यहाँ पे ग्रेविटी एक इंपॉर्टेंट रोल करता है। ग्रेविटी बोलने का मतलब क्या है कि जो लैंड हो स्लोप एरिया हो, स्लोप एरिया रहेगा तो जब यहाँ वाटर यहाँ से जब इंटर होगा स्लोप एरिया है तो यहाँ पे हाई वेलोसिटी में जाएगा, तो इससे क्या होगा ग्रेविटी के कारण ये वाटर भी आगे तक पहुँच जाएगा। हम लोग के जो लास्ट जो पॉइंट है फील्ड का वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। इसके बाद में जो यहाँ पे बगल बगल में जो पेड़ पौधा भी होगा वो भी इरीगेट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, फिगर भी देखे थे। अब इसके बाद में देखते हैं कि फिगर के बाद अ रिज इज द पार्ट ऑफ द लेआउट ऑफ द फील्ड दैट इज एलिवेटेड एट द डिफरेंट एंगल बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सॉइल। दिस इज एक्चुअली वेयर द प्लांट्स आर प्लांटेड, द फ्यूरोस आर द ट्रॉप्स दैट लेट द वाटर फ्लो थ्रू इट। रिज क्या होता है कि एक पार्ट होता है फील्ड का लेआउट का जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर बनाया जाता है बेस्ड ऑन द सॉइल। सॉइल पे बेस्ड होता है कि किस टाइप का एंगल पे बनेगा रिज। अब देखिए कि यहाँ पे रिज जो है वो छोटा छोटा पार्ट होगा, जो स्मॉल स्मॉल पार्ट होगा उसी में डिवाइड किया जाता है एंगल के हिसाब से कि किस हिसाब से वहाँ पे पेड़ पौधा है उसी और सॉइल किस हिसाब का है उस प्रकार में हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। अब देखिए कि जो यहाँ पे फ्यूरो है जो मेन जो पॉइंट है यहाँ मेन लाइन है, मेन लाइन में क्या कि यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है। अब यहाँ छोटा छोटा फ्यूरो स्ट्रिप्स बनाया गया, ये स्ट्रिप है, स्ट्रिप के बगल में फ्यूरो है, फ्यूरो। अब इसके बाद में रिज वगैरह फ्यूरो को ही रिज के नाम से भी जानते हैं। अब जो ये जो स्मॉल पार्ट है जो है इस जो यहाँ पे फ्यूरो बना हुआ है इसके द्वारा क्या होगा वाटर फ्लो होगा, जिससे क्या होगा जो ये जो प्लांट होगा ये प्लांट इग्रीगेट होते चला जाएगा जहाँ तक के वाटर फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से मेरा एक फ़ायदा है कि यहाँ पे वाटर जो क्या होगा कम खर्च होगा। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या है, इसके आगे क्या बोला जाता है कि व्हाई यूज फ्यूरो इरीगेशन, हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो सबसे आगे कॉस्ट रिडक्शन के लिए यूज करते हैं, फिर ए मोर ग्रांटेड हायर यील्ड। अब जब ये टाइप में जब हम लोग यूज करेंगे वाटर को फ्यूरो इरीगेशन से तो हम लोग वहाँ पे वाटर को एक हम लोग फिक्स रूप में क्या करेंगे इरीगेट कर सकते हैं कि इतना ही पानी चाहिए तो इतना हम लोग वाटर को छोड़ेंगे तो इतना पानी मिलेगा कंट्रोल्ड रूप से। तो यहाँ पे हाई यील्ड हम लोग को मिलता है, कॉस्ट रिडक्ट हो जाता है, कॉस्ट कम जाता है। अब इसके बाद में अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फ्यूरो एप्लीकेशन मेथड। फ्यूरो एप्लीकेशन मेथड क्या कि हम लोग कैसे फ्यूरो को बनाते हैं उसका पूरा जो प्रोसेस है वो कैसे है। सबसे आगे कहा फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द फ्यूरो इरीगेशन कंस्ट्रक्शन डिजाइन यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स। ये स्टेप्स के जरिए हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे फ्यूरो एप्लीकेशन को बनाया जाता है। सबसे आगे क्या ड्राइंग द फ्यूरोस, सबसे आगे फ्यूरोस को बनाए वहाँ पे पाड़ा जाता है, पाड़ा वहाँ पे ड्रा किया जाता है। ड्रा करने का मतलब क्या है कि वहाँ पे हम लोग चौक ले लिए, चौक का जो
चौक का जो है पाउडर, चौक पाउडर ले लिए, चौक पाउडर के सहारे छींटते छींटते क्या किए, एक लाइन टाइप में बना दिए, उसके बाद में फीरो को डिवाइड किया जाता है। द फीरोज कैन बी मार्क्ड आउट विद द चौक बिफोर टेकिंग आउट अ रिज और एंड क्रिएटिंग फीरोज पोल्स टू कैन बी यू टू अचीव मोर एक्यूरेसी। अब देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि वहाँ पे चौक पाउडर को ले लिए, चौक पाउडर को लेके क्या धीरे धीरे छिड़ते चले गए। अब इसको ज़्यादा हम लोग को अगर एक्यूरेसी चाहिए तो ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉल लगा सकते हैं। यहाँ पे पॉल एक लगा दिए, यहाँ पे एक पॉल लगा दिए, इसके हिसाब से सोचे सोचे क्या किए कि हम लोग वहाँ पे चौक को छिड़काव करते चले गए, तो इससे क्या होगा एक लाइन बन जाएगा। अब इसके बाद में क्या है, रीजिंग क्या होता है, द फ्यूरोस नीड टू क्रिएटेड विथ अ रीजर एज लॉन्ग एज द चौकड आउट एरिया आर ड्रॉन इन द स्ट्रेट लाइन्स। क्या होता है कि फ्यूरो कब तक रीज, कब तक हम लोग करते हैं रीजर के सहारे, जहाँ तक हमने चौक का छिड़काव किया वहाँ तक रीजर के सहारे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे वो वहाँ पे अर्थन मटेरियल को बाहर निकालते चले जाएंगे रीजर के सहारे। फिर इक्वल डिस्टेंस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू रीजेज शुड बी एटलीस्ट 5 meters। जो रीजेज होता है उसको डिस्टेंस जो है 5 meters रहना ही चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम आप लोग जितना रखें। फॉर ईजियर मेंटेनेंस यू वुड यूज अ 4 reach ड्रावर। जैसे अगर हम लोग को ईजियर मेंटेनेंस हो तो उसके लिए हम लोग 4 reach bar को यूज कर सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे कुछ टाइप दे दिया गया है, कुछ टाइप जैसे क्या बोला गया, टाइप बोला गया है कि इसका कुछ एग्जांपल है कि जैसे पावर टाइलर, एक फिगर था पावर टाइलर। अब पावर टाइलर को हम लोग देखते हैं कि पावर टाइलर कैसा दिखता है। पावर टाइलर देखिए जैसे ये स्टेप में पावर टाइलर होता है, ये रीजिंग के काम में आता है, प्लोइंग टूल जिसको नाम से जानते हैं। फिर एक आता है ग्रास ट्रीमर, ग्रास जैसे घास उसके काटने के लिए एक मशीन जिसको नाम है ग्रास ट्रीमर। अब इसके बाद में सिकल, ये तो आप लोग सब जानते ही होंगे सिकल क्या होता है। अब देखिए इसके आगे क्या होता है कि रीजर, अब रीजर क्या है कि यहाँ देखिए रीजर कैसा होता है, रीजर जो होता है एक स्मॉल फ्यूरोस बनाने वाला जो रीजर होता है इस टाइप का होता है। आगे में छोटा सा इसका जो पार्ट होगा वो एकदम नुकीला होगा, जिससे क्या होगा कि मिट्टी का जो पार्ट होगा आगे में एक डायरेक्शन में बनता हुआ चला जाएगा। इसके द्वारा क्या होगा, जो मिट्टी का पार्ट होगा एक फिक्स्ड इस टाइप में बनता हुआ चला जाएगा। तो एक रीजर है, और फिर इलेक्ट्रिक वाटर पंप आता है, ये सब टूल्स वगैरह हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए, इस वीडियो में यहाँ तक ही समझेंगे। इसके आगे वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे के टाइप, आगे का की जो टाइप था जो हम लोग पीछे में पढ़ चुके हैं, जैसे सबसे फर्स्ट जो सेकंड वीडियो में देखे थे फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चेक फ्लडिंग क्या होता है, बेसिन फ्लडिंग क्या होता है, फ्यूरी इरीगेशन मेथड क्या होता है। अगला वीडियो में देखेंगे कि स्प्रिंकलर इरीगेशन मेथड क्या होता है और ड्रिप इरीगेशन मेथड क्या होता है। अगर आप लोग पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट दो वीडियो जो हम लोग का लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड था, वो दोनों वीडियो भी आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देन थैंक यू, दिस इज सोनू, you are watching Diploma with Sonu.